सबसे पहले हम आपसे गुजारिश करना चाहते हैं, आज 2021 की आखिरी रात है। यह ऐसा साल था जिसने कोरोना का रौद्र रूप दिखाया। यह ऐसा साल था जो कई लोगों को कभी ना भूलने वाला जख्म दे गया। कईयों के अपने हमेशा के लिए उनसे बिछड़ गए, लेकिन वक्त का पहिया कभी थमता नहीं। लोगों ने सोचा बुरा दौर था, गुजर गया, वो अपनी जिंदगी के साथ आगे बढ़े। कई लोग तो ऐसे हैं जो कोरोना के खौफ को अपने दिलो दिमाग से निकाल चुके हैं। वो ये सोचते हैं कि जो होना था अब हो गया, अब इससे ज्यादा क्या होगा। लेकिन ऐसी सोच से, ऐसे एटीट्यूड से बचना चाहिए, क्योंकि पिछले एक हफ्ते में देश और दुनिया में कई डेवलपमेंट हुए हैं, और अगर उन पर गौर करें तो कोरोना वायरस के नए आंकड़े देखेंगे आप तो पता ये चलेगा कि कोरोना वायरस अभी जिंदा है। ये कहीं नहीं गया है, बल्कि ये बहुरूपिया तो नए नए रूप बदल कर हमारे और आपके बीच आ रहा है। और अब तो कोरोना का ओमिक्रॉन वेरियंट तीसरी लहर का कैरियर बन चुका है। अमेरिका यूरोप में हाहाकार है, ये कई जगह कम्युनिटी लेवल तक पहुंच चुका है। इसीलिए हमारी आपसे गुजारिश है, आप नए साल का जश्न मनाएं, न्यू ईयर को सेलिब्रेट करें, लेकिन सावधानी के साथ। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।